हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 टीयर वन का एग्जामिनेशन चल रहा है और ऑलरेडी आपको काफ़ी चैनल्स पे अलग अलग तरीके के कंटेंट मिल रहा है, हमारे चैनल पे भी कंटेंट मिल रहा है, लेकिन मेरा फोकस हमेशा उस चीज़ पे रहता है जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन करते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए, आप कहीं गलत जगह पर भटक ना जाए, ठीक है। और जो हम वीडियोज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो अनपैरल्ड होती हैं, जैसे कि ये वीडियो जो मैं आज स्किल टेस्ट के ऊपर बनाने वाला हूँ, आई कैन से इट विद 100% श्योरिटी, इससे पहले कोई भी वीडियो इतने डिटेल में आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पे हमारे चैनल के अलावा, जिसमें टीजीएल का 2022 का स्किल टेस्ट के बारे में बताया जाए। क्योंकि स्किल टेस्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे किसी को कोई रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा इस चीज़ के बारे में बता के, ठीक है। और बाकी इसमें मेहनत बहुत लगती है क्योंकि चीज़ों को अच्छे से समझना, नोटिफिकेशन मैं देखता हूँ काफ़ी लोग वीडियोज बनाते हैं, वो खुद भी रीड नहीं करते लेकिन वीडियो में सब कुछ बोल के चले जाते हैं कुछ भी, ठीक है, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो कोशिश ये रहती है कि एक चीज़ को इन डेप्थ पढ़ा जाए और आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाएं जाएं, जिससे कि आप इरेलीवेंट चीज़ों पर ना फंसें। इस बार टीयर टू एग्जामिनेशन क्या है, 2.5 महीने में है आपका, 2.5 से 3 महीने में लगभग हो जाएगा, और इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, आपको टाइपिंग भी सीखनी है, आपको कंप्यूटर्स भी प्रिपरेट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा, कि जो स्किल टेस्ट है जिसके मार्क्स नहीं जुड़े, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उन्हें कैसे आप कवर करेंगे, ठीक है, उस उनमें किस तरह का पैटर्न होगा, किस किन लोगों को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए, एंड ऑल ये सारी चीज़ें हम बारीक से बारीक चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। कैसे स्किल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है, कैसे वैल्यूएशन होती है इसकी, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे थे उसके टाइपिंग टेस्ट के, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसे सेव करके रख लेना, बाद में भी आपके काम आएगी अगर कोई भी कन्फ्यूजन फ्यूचर में जनरेट हुई। ये मैं सीजीएल के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी सेम वीडियो मैं सीएचएसएल के लिए भी बना दूंगा, ठीक है। सीएचएसएल इसमें डाल सकता था क्योंकि काफ़ी हद तक पैटर्न सेम है, बट वो फिर मिक्सिंग हो जाती है माइंड के अंदर कि सीजीएल के लिए बताया था वो या सीएचएसएल के लिए बताया था, आप लोग कन्फ्यूज होते हैं बाद में, तो इसलिए एक सेपरेट वीडियो, मेरी मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन मैं बता दूंगा फिर भी, ठीक है। और इसी टाइम पे मैं काफ़ी लोग कहते हैं सर मैथ्स की ये वाली वीडियो डाल दो, वो वाली वीडियो डाल दो, मैथ्स का देखो मैंने बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी डाली हुई है, एसएससी सीजीएल कंप्लीट क्वांट करके प्लेलिस्ट है एक, अगर वो देखोगे आप मैक्सिमम टॉपिक्स की वीडियोज आपको दिख रही होगी वहाँ पे, ठीक है। तो कोई अगर आपको मान लो एग्जाम में लगता है कि क्वेश्चन आ रहा है और आपको कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। गूगल पे यूट्यूब पे भी लिखोगे वो टॉपिक का नाम स्पेस RB, तो आपको वहाँ पे मेरी उससे रिलेटेड हो सकता है कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाए, ठीक है। बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, यूट्यूब पर बहुत वीडियोज अवेलेबल हैं, ठीक है। नई वीडियो से ही क्या होगा, पुरानी वीडियोज भी तो काम की है। एक अभी प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी एसएससी सीजीएल मैथ्स क्रैश कोर्स करके, ठीक है। जिन लोगों ने ये प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज देखी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें सारे चैप्टर्स तो नहीं कराए, मैंने कुछ ही चैप्टर्स के वीडियो डाली हुई है इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो जिन चैप्टर्स की इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, उन चैप्टर से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो इससे बाहर आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम जब बहुत डीप में मुश्किल पूछ रहा होता है तो हमें डीप नॉलेज की जरूरत होती है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, तो फिर क्रैश कोर्सेज काम नहीं करते अच्छे तरीके से। लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें मुश्किल नहीं पूछ रहे, तो आपको जैसे अलजेब्रा की आइडेंटिटीज आपको सारी अच्छे से याद हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हैं, बेसिक क्वेश्चन जो एसएससी का पैटर्न चलता वाला लगातार वो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसकी सारी आइडेंटिटीज याद हैं, सिमिलैरिटी कैसे होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं, सेकेंड थ्योरम क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता है तो आप सारे क्वेश्चन बड़े ईजिली कर पाते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे हमने इंग्लिश का क्रैश कोर्स डाला था, ग्रामर रूल्स का, वो सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, और जीके का क्रैश कोर्स डाला था, ठीक है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पॉलिटी, वो सब वीडियो जो आप देख सकते हैं, सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपकी। एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है एसएससी एमपीआर की वेबसाइट पे, ये अगेन फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड है। हर बार इतने एस्पिरेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, मैं तो बार बार वीडियो भी बनाता हूँ कि यार ये फोटो सही से डाल लो, सिग्नेचर सही से डाल दो, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, ठीक है, मेरा मैक्सिमम टाइम वहीं जा रहा होता है, ठीक है, एप्लीकेशन पे वीडियोज अपलोड करना, पढ़ाना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन फिर भी मुझे बेसिक वीडियोज भी बनानी पड़ती है क्योंकि लोग गलती करते हैं, और इस बार इतना समझाया फिर भी काफ़ी लोगों ने गलती करी, और एससी भी इसलिए बार बार लोगों को पहले ही बता रहे कि बाद में कुछ नहीं होगा भैया, ध्यान से फोटो वगैरह वगैरह अपलोड करो, डायमेंशंस वगैरह, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ होती है, बाकी ये सारी जैसे चश्मा लगा दिया तो अलाउड नहीं होगा, बिल्कुल भी स्पेक्टेकल्स अलाउड नहीं है, ठीक है, फोटो में, ठीक है, कैप नहीं होनी चाहिए, डार्क नहीं होनी चाहिए, फोटो ज़्यादा ब्लर नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। डायमेंशन होनी चाहिए आपकी कितनी, ये आपकी अगर विड्थ 3.5 है तो हाइट आपकी 4.5 होनी चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, सीएचएसएल का फॉर्म भरेंगे तो। और अगर मैं बात करता हूँ सिग्नेचर जो होगा आपका, ये 4 KB ऐसे और 2 KB ऐसे, मतलब 4 सेंटीमीटर ऐसे और 2 सेंटीमीटर ऐसे। तो ये कैसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको क्रिएट करने है, एक प्लेलिस्ट में दो वीडियो मैंने डाली में, अगर आप लैपटॉप पे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लें, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे पीपीटी के थ्रू 5 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है। अगर आप मोबाइल में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, सारी चीज़ें बता रखी हैं कैसे आपको फोटो क्रिएट करने, मोबाइल से खींची और साथ के साथ हो जाएगा आपका काम।
है, आपको किसी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या है कि एसएससी से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए कंप्लीट डेडिकेटेड मटेरियल चाहिए, रेलिवेंट गाइडेंस चाहिए, सब कुछ आरबी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है धीरे धीरे। तो चैनल से जुड़े रहें, कोई भी चीज़ मिस ना करें। अब जिन लोगों ने बैच में एनरोलमेंट नहीं करी है वो अभी भी कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड कल तक और वैलिड कर दिया गया है सीएससीएल की नोटिफिकेशन की वजह से, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी एसएससी एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट से कराई जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल कोर्सेज भी ऐप पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। अब मैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन पे आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पोस्ट हैं, राइट, ठीक है। तो लेवल 8 की पोस्ट हो गई, लेवल 7 की पोस्ट हो गई, लेवल 6 की, लेवल 5 की, लेवल 4 की, ठीक है। लेवल 8 से लेवल 4 तक की पोस्ट हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है, ये सारी की सारी पोस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। अभी इनका काम पड़ेगा तो वो हम देखेंगे, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, ये टीयर 2 का पैटर्न है, ठीक है। टीयर 1 जब एग्जाम हो जाएगा तो हमारे पास 3 कट ऑफ निकल के आएंगी टीयर 1 के बाद। एक होगी आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए कट ऑफ, ठीक है, असिस्टेंट या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पोस्ट, तो दो पोस्ट होती हैं इसके अंदर हमारे पास। इसके बाद एक कट ऑफ निकलती है आपकी जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर या स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो पोस्ट होती हैं एक तरीके से। और अगर मैं बात करता हूँ, एक कट ऑफ निकलती है ऑल अदर पोस्ट, जिसके लिए बाकी सारी पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सारी की सारी पोस्ट इसके अंदर आती हैं। तो अभी मैंने सारी की सारी पोस्ट दिखाई, मैंने कहा टीयर 1 की जो कट ऑफ निकलेगी इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी जहां तक है, और इसकी अलग निकलेगी। एसएससी चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, सिंगल कट ऑफ निकालते, बट ऐसा करेंगे नहीं, फिर एओ का और जेएसओ स्टेटिस्टिक्स का जो अलग पेपर होता है टीयर 2 में, वो सबको देना पड़ेगा, तो एसएससी का बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो 3 ही कट ऑफ मेरे हिसाब से निकलेंगे टीयर 1 की, और ये सबके किसी के भी मार्क्स नहीं जुड़ने, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। टीयर 1 हो गया तो आपका क्या होगा, टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 एग्जामिनेशन में ये जो सेक्शन हैं इनके मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, इनके क्या जुड़ेंगे, मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ, इसमें फिर एक सेक्शन है आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जिसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 60 नंबर का ये हमारा मॉड्यूल रहेगा। ये है क्वालिफाइंग इन नेचर। तो अब ये भी प्रिपेयर करना है आपको, लेकिन ये क्वालिफाइंग है तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में बताऊंगा, इसकी कट ऑफ कैसे कैसे निकाली जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी क्लासेस 11 तारीख से आपको आरबी चैनल पर मिल जाएंगी, 3 से 4 क्लास में, बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका, वो कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब एसएससी के और भी एग्जामिनेशंस हैं जिसमें कंप्यूटर्स पूछा जाता है, जैसे आपका जीडी एग्जामिनेशन हो गया, दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशंस हो गए, उनमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है, वो आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, जीडी का पता नहीं, बाकी एक बार देख लेना आप, जो भी पीडीएफ होंगी इसकी मैं टेलीग्राम चैनल पर दोबारा अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर की कंप्यूटर्स जिन एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है उनका मिल जाएगा। ऑल्दो उसमें सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, बट फिर भी आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो एसएससी सीजीएल के लिए सिलेबस है, वही सिलेबस आपका कंप्यूटर का सीएचएसएल के लिए, वो बहुत छोटा सिलेबस है, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे ही कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन जिन एग्जाम से पूछा गया, 3-4 एग्जाम में आ चुका है कंप्यूटर, तो उसकी पीडीएफ डाली गई है टेलीग्राम चैनल पे। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, ठीक, उसके बाद ये वाला सेक्शन इसकी बात करूं तो मैं पोस्ट को अब 3 तरीके से पोस्ट को बाइफरकेट कर रहा हूं मैं एसएससी सीजीएल में, ठीक है। जेएसओ स्टेटिस्टिक्स उन्हें छोड़ दिया हमने, मैं कह रहा हूँ टोटल पोस्ट जो जितनी भी मैंने आपको अभी दिखाई, इसमें कुछ होंगी सीपीटी पोस्ट, कंप्यूटर प्रोफेशनसी टेस्ट जिसके लिए जरूरी होता था पहले, एक होंगी डीईएसटी पोस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है, और एक होंगी हमारी ऑल अदर पोस्ट, ठीक है। 3 तरीके से अब हम पोस्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर वाला जो टेस्ट होगा वो, और एक टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पहले सीपीटी पोस्ट कौन कौन सी है ये आप देख लो। सीपीटी पोस्ट है हमारे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एएसओ एमई एएफएचक्यू, ठीक है, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सीजीआई, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर जीएसटी एंड एग्जामिनर, ये सारी की सारी पोस्टल असिस्टेंट हो गया इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सारी की सारी पोस्ट क्या है हमारी, ये सारी है सीपीटी पोस्ट, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पहले मांगा जाता था, ठीक है। अब मैंने दूसरी तरह की पोस्ट क्या बताई, डीईएसटी पोस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट वाली पोस्ट है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, ये हमारे पास टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी सीबीडीटी यूडीसी एसएसए इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो डीएसटी की ये पोस्ट है, सीपीटी की ये पोस्ट है, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट मैंने टोटल दिखाई थी, बची हुई जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी हमारी ऑल अदर पोस्ट में आती है।
क्लियर हो गया। तीन तरीके से हमने एसएससी सीजीएल की पोस्ट को बांट दिया। अब जो हमारा टीयर टू के टाइम पे कंप्यूटर मॉड्यूल होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है? ये अलग खा गया क्या? एक इसे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट कर लेंगे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की, सिक्सटी इंटू ट्वेंटी इंटू में थ्री क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेगी। तो इसके अंदर हमारे पास कट ऑफ कैसे निकाली जाएंगी? हमारे पास तीन तरह की पोस्ट हैं, सीपीटी पोस्ट, डीएसटी पोस्ट और ऑल अदर पोस्ट। डीएसटी पोस्ट और ऑल अदर पोस्ट के लिए सेम कट ऑफ निकलेगी इस पर्टिकुलर टेस्ट की, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो सीपीटी पोस्ट है उनके लिए थोड़ी हायर कट ऑफ निकाली जाएगी, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होता था उसमें जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, एक्सेल ये सब पूछा जाता था, क्योंकि अब वो तो नहीं है, तो इसके लिए इसी की थोड़ी सी कट ऑफ हायर रख लेंगे। क्या ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो इन दोनों की सेम आएगी, इसकी थोड़ी सी हायर कट ऑफ हो सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा हायर नहीं होगी। चलें आगे। ठीक, इसका जो सिलेबस है वो ये है, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर ही कवर करा दिया जाएगा, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्किल टेस्ट की। ठीक है, ये क्या होगा? आपको टाइपिंग करनी होगी बेसिकली इसके अंदर। ठीक है, टाइपिंग क्या है? आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन करने होंगे। 2000 की डिप्रेशन अगर मैं निकालूं तो लगभग 27 वर्ड पर मिनट की हमें टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। ठीक है, जिसमें वन वर्ड हमारा किसके बराबर होता है? ये 5 की स्ट्रोक्स के बराबर होता है। की स्ट्रोक का मतलब जो कीबोर्ड की आपने की दबाई। ठीक, तो उसमें स्पेस भी इंक्लूड होता है, बाकी सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अब यहाँ पे आप टोटल हमें जो पैसेज मिलेगा ना उसमें 2000 लगभग की स्ट्रोक्स होंगे और वो हमें 15 मिनट में टाइप करना होगा। बैक स्पेस दबा सकते हो आप, कुछ भी दबाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके मार्क्स किसी भी चीज के नहीं कटेंगे। आपने कुछ गलत लिख दिया, उसे बैक स्पेस जाके पीछे जाके सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पैसेज को 10 मिनट में टाइप कर दिया, आप पूरा वेरीफाई कर लो, कहीं गलती हो तो सुधार लो। एट दी एंड 15 मिनट के बाद जो आपका पैसेज टाइप होगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, वही फाइनल रिकॉर्ड होगा। इन बिटवीन आपने 15 मिनट में क्या करा, कितनी की दबाई, उसको ही मैटर नहीं है। जो पैसेज हमारा 2000 की डिप्रेशन का होगा वो हमें 15 मिनट में टाइप करना होगा किसी भी तरीके से। अब इसके अंदर कैसे चीजें चलेंगी? इसके अंदर भी हमारी अलग अलग कट ऑफ निकलेंगी। इसमें कट ऑफ कैसे निकलती है? परसेंटेज एरर के बेसिस पे। ठीक है, दो कट ऑफ निकलेंगी, एक तो डीएसटी और सीपीटी के लिए सिमिलर कट ऑफ होगी, डीएसटी सीपीटी पोस्ट के लिए, और एक ऑल अदर पोस्ट है उनके लिए सिमिलर कट ऑफ होगी। अब इसमें सिमिलर कट ऑफ कैसे होती है? जैसे ऑल अदर पोस्ट की मैं बात करूं, फॉर ऑल अदर पोस्ट इसमें बहुत अच्छा मार्जिन दे रखा है, मतलब परसेंटेज एरर कितने अलाउड है अभी परसेंटेज एरर में समझाऊंगा। अनरिजर्व कैटेगरी से आपको 20% तक आप एरर कर सकते हैं पैसेज के अंदर, ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी से 25% तक एरर कर सकते हैं, और अदर कैटेगरी से 30% तक, तो जो कि बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी से भी टाइपिंग सीखेंगे तो आप इसकी टाइपिंग टेस्ट को प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर, अभी इन्होंने सीपीटी और डीएसटी पोस्ट के लिए क्या टाइपिंग की कट ऑफ रहेगी उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन पिछले कितने ही सालों से सेम ही कट ऑफ चलती हुई आ रही है फॉर डीएसटी एंड सीपीटी पोस्ट। अगर मैं बात करता हूं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो परसेंटेज होती है वो 5% तक आप एरर कर सकते हैं, और अदर कैटेगरीज के लिए परसेंटेज एरर कुछ इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, डीएसटी और सीपीटी दोनों के लिए लगभग सेम सा ही चलता है, तो इस बार भी उम्मीद है सेम ही रहेगा। और एसएससी हो सकता है टाइपिंग के लिए जो परसेंटेज एरर वो इतना रखे या फिर इसमें थोड़ा सा और मार्जिन दे, इससे मुश्किल नहीं करेगा। ठीक है, और ज्यादा अलाउ कर सकता है परसेंटेज एरर, मतलब, लेकिन आप इसके लिए रेडी रहें जो अभी तक आता हुआ है एसएससी एग्जाम्स में। ठीक, आगे मैं बात करता हूं, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब टाइपिंग टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाता है मैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, जैसे ही आपका क्या होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि अभी टीयर टू के टाइम पे ही आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, तो जो लोग टीयर टू कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, जो टीयर टू की कट ऑफ आएगी टीयर टू के बाद जो उसे क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का ही टाइपिंग टेस्ट इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, टीयर टू वाले दिन ही आपका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। टीयर टू वाले दिन पहले 1 घंटे का आपका एक पेपर है जिसमें आपका क्या होगा
मैथ्स और रीजनिंग करना है। फिर एक दूसरा सेक्शन होगा जिसमें आपका 1 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जीके और इंग्लिश करना है। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा 15 मिनट का। तो हो सकता है ये विदाउट ब्रेक तीनों के तीनों एग्जाम्स आपके लिए जाएं, ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट में आपका ये पेपर कराया जाए। उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है तो उसमें जरूरी होता है कि कीबोर्ड वगैरह सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से चलें। तो उसके लिए आपको पहले तो 10 मिनट का मॉक दिया जाता है। 10 मिनट का क्या दिया जाता है, मॉक, मतलब आपको 10 मिनट देखा दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा जो आपको टाइप करना हो, वो रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा, बस आप ये देख लें कि कीज वगैरह सही चल रही है, आप टाइप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इंटरफेस से फैमिलियर हो जाए। उसके बाद 3 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, जिसमें आपको एक छोटा सा वेरिफिकेशन करना होता है जनरली, उसमें आपको मदर्स नेम शायद लिखना होता है, तो वो आप एक बार देख लेंगे। और उसके बाद आपका फिर 15 मिनट का एक्चुअल टेस्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है, और वो 15 मिनट का आप एक्चुअल टेस्ट देंगे, वो आपका फाइनली सबमिट किया जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपके परसेंटेज आर निकाले जाएंगे कि कितनी गलतियां करी पैसेज में, ठीक। तो इस तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट, ये सारा का सारा एक दिन में हो रहा है। अगर आप टीयर टू को क्वालिफाई करते हैं, टीयर टू की एक कट ऑफ आएगी, उसमें आपने अगर क्वालिफाई करा तो आपका टाइपिंग टेस्ट वैलिडेट किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट भी आपका सही चला गया, आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी आपने भर दी, तो फिर फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाता है ऑन द बेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अभी टाइपिंग टेस्ट सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी हो गया है, परसेंटेज एरर सभी पोस्ट के लिए, मतलब सीपीटी डीएसटी पोस्ट के लिए अलग होंगे, बाकी सभी पोस्ट के लिए बहुत अच्छा रखा गया है कि आप आराम से क्वालिफाई कर पाए। लेकिन टाइपिंग अब सबको देनी ही है। जिन लोगों ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है, भाई टाइपिंग आप स्टार्ट कर दो, दिन का आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम एटलीस्ट निकालो। ऐसा ना हो कि आपने इंग्लिश जीके मैथ्स रीजनिंग में तो बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, टाइपिंग टेस्ट में ही फेल हो गए, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सीएचएस में बहुत लोग टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सीजीएल की बात करूँ, सीजीएल में भी आप फेल हो सकते हो। अगर अभी से आज तक आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आज से ही टाइपिंग में लगना है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम एटलीस्ट दो अभी इस महीने, और फिर उसे थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। आपसे एग्जाम में अगर 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांग 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड अप्रोक्सीमेटली मांग रहा है, तो आप कम से कम 40 तक प्रिपेयर करके जाएं, 35 से 40 के बीच में मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे काफी सारी डिस्ट्रेक्शंस भी होती हैं, आवाज भी आ रही होती है, एंग्जाइटी भी हो रही होती है, ठीक है। इससे कम करोगे तो दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आप अपने ड्रीम जॉब से हाथ धो बैठो, ठीक। तो टाइपिंग अपनी अच्छे से करें, मैं रिकमेंड करूंगा वैसे 40 तो आपकी होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड अगर आपको 27 वर्ड पर मिनट की एग्जाम में करनी है तो टाइपिंग सीखें। एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेके आऊंगा कैसे आप टाइपिंग सीख सकते हैं इनसे 2 से 2.5 महीने में, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कैसे मोबाइल पर टाइपिंग सीख सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो हमारे पास जो एसएससी में टाइपिंग का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपको यहाँ पे ना लाइन बाय लाइन यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको नीचे यहाँ पे टाइप करना होता है, ठीक है। सारी कीज आपकी चलती हैं, ये एरो की आपकी चलेंगी, आपकी बैकस्पेस की भी काम करेगी, ठीक है, कोई गलत लिख दे तो उसे मिटा के सही कर सकते हैं, ये सारे की सारी चीजें आपकी होती हैं। कुछ रूल्स एसएससी ने दे रखे हैं टाइपिंग के लिए जो आपको फॉलो करने होंगे। वैसे तो एसएससी का मैं आपको पहले एक बार पैसेज दिखा देता हूँ किस तरह का पैसेज एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका एसएससी सीजीएल में पैसेज पूछा गया था, शायद 2018 के आसपास का होगा, 18-19 का होगा ये, ठीक है। ये ऐसा पैसेज आ जाएगा आपका, टोटल करेक्टर्स दे देंगे कि टोटल इतने की स्ट्रोक्स हैं, बेसिकली 2034, इतना आपको 15 मिनट में टाइप करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी आपको स्पेशल करेक्टर नहीं मिलेगा, हैशटैग ये सब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स कई बार बहुत छोटे आ जाएंगे, जैसे बीच में आ गया 60 कहीं, तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते हैं, तो बड़े इजीली आप टाइप कर सकते हैं। बेसिक टाइपिंग आपको चाहिए, स्पेशल करेक्टर्स नंबर की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं और दिखाऊं, सीजीएल 2019 का टाइपिंग पैसेज है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा टाइपिंग पैसेज दे रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल टाइपिंग पैसेज है और एक ही पैराग्राफ है, मल्टीपल पैराग्राफ्स भी नहीं है, क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एरर्स वगैरह हैं, इस पे दिखाऊंगा। सीएचएसएल का टाइपिंग पैसेज है, सीएचएस में 1750 की डिप्रेशन आते हैं, इसमें अगर आपका एलडीसी का हो या जेएससी का हो, और अगर आपका डी और डेटा एंट्री ऑपरेटर का है स्किल टेस्ट, तो उसमें 2000 की डिप्रेशन ही आते हैं सीजीएल की तरह। तो ये सीएचएसएल का आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइपिंग पैसेज आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब मैं वापस आता हूँ, इसमें और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रूल्स हमें ध्यान रखने होते हैं। चलो सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये है कि सीजीएल में तो आप टाइपिंग जो देंगे वो इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। तो आपको वहां पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का अगर ऑप्शन पूछे तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, वरना आप इंग्लिश में ही जनरली दे रहे होंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स को टैब की दबानी होगी फॉर द बिगनिंग ऑफ एनी पैरा,
ठीक है, मतलब अगर आपके पास अभी मैंने दिखाया एक ही पैराग्राफ में सब कुछ है तो कुछ नहीं करना, अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं कि एक पैराग्राफ भी आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ भी स्टार्ट हो रहा है उसी पैसेज में, तो नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए आपको क्या करना है, एंटर दबा के टैब दबाना है जिससे कि आप थोड़ा सा स्पेस छूट जाए आपका, ठीक है, मैनुअल स्पेसिस नहीं देने वरना वो एरर में काउंट किया जाता है। ठीक है, कोई भी पंचुएशन मार्क देंगे तो आप एक स्पेस लगाएंगे, मतलब जैसे मैंने लिखा पैसेज में ही दिखा देता हूं, जैसे मेरे पास ये पैसेज है रिवर्स, इसके बाद पंचुएशन मार्क कोमा आया तो यहां पे क्या आएगा सिंगल स्पेस, क्या आया वन स्पेस यहां पे आएगा। ठीक, इस तरीके से आपको आगे चलना। कुछ लोग यहां पे दो स्पेस लगा देते हैं फुल स्टॉप के बाद, कुछ लोग दो स्पेस लगाते थे जो कि होता है गलत, फुल स्टॉप के बाद सिर्फ एक स्पेस आता है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप पैसेज को टाइप कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई भी वर्ड है, ये हमारे पास फोर लिखा है, एग्जामिनर में अगर शीट के अंदर एफ ओ आर लिखा गया, ये कैपिटल आ गया, तो आपको टाइप करते टाइम भी कैपिटल ही लिखना होगा, तो ऐसी ऐसा भी पैसेज में दे सकते हैं। ठीक है, पहले तो आ जाता था, अभी इतना ऐसा कुछ नहीं करते ये, बट जहां फुल लेटर दे रखा है पैसेज में आपको एजिटिज ही टाइप करना होगा, चाहे वो एरर है, मतलब चाहे वो फुल नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, बट आपको पैसेज के हिसाब से ही टाइप करना है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, फालतू के स्पेस कहीं भी मत दें, स्पेस से दिक्कत हो जाती है बाद में। ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार मैं और चीजें आपको समझा दूंगा, एक बार गाइडलाइन और दे दूंगा ये। ठीक है, कुछ फुल मिस्टेक्स होती हैं, कुछ हाफ मिस्टेक्स होती है। ठीक है, अगर आपने कोई वर्ड को छोड़ दिया तो वो फुल मिस्टेक माना जाएगा, फुल मिस्टेक इन द सेंस मैंने लिखना था ही इज अ गुड पर्सन। ठीक है, तो आपने लिखा ही इज अ पर्सन, आपने क्या कर दिया एक पूरे वर्ड को ही छोड़ दिया गुड को, तो गुड कितने कैरेक्टर्स का है, एक दो तीन चार, और इसके साथ एक चीज और आ रही है क्योंकि ए के बाद स्पेस है वो मैंने लिया है, फिर पर्सन लिख दिया तो ये स्पेस भी तो मैंने छोड़ दिया, तो कितने कैरेक्टर्स की मिस्टेक हो गई, पांच कैरेक्टर्स की, तो ये मेरी क्या होगी, पांच कैरेक्टर्स की मिस्टेक मानी जाएगी, फुल मिस्टेक इसे हम कहेंगे। ठीक है, आपने कोई ऐसा ऐड कर दिया वर्ड फिगर जो पैसेज में नहीं है तो वो भी फुल मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, कोई आपने गलती कर दी, जैसे सीप्लिंग्स आपको लिखना था, आपने SCPLLING ऐसा कुछ कर दिया या SPELING कुछ लेटर लिखे या ओमिट कर दिए, तो ये भी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, जैसे आई सेल भी ग्रेटफुल लिखना चाहिए था, आपको आई सेल सेल भी लिख दिया, एक एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये भी फुल मिस्टेक मानी जाएगी, मतलब शेल कितना है, पांच करेक्टर्स और एक स्पेस, छह करेक्टर की ये मिस्टेक मानी जाएगी। अगर मैं हाफ मिस्टेक की बात करूं तो हाफ मिस्टेक हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि मान लो आपने क्या लिख दिया, आपको लिखना था आई होप, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये स्पेस नहीं दिया, आपने लिख दिया आई होप, अब हुआ क्या, कितने करेक्टर की मिस्टेक हो गई, आप देखेंगे आई है होप है चार और दो छह, ठीक है, ये छह करेक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, और अगर आपने ये स्पेस नहीं दिया तो आपने क्या करा यहाँ पे हाफ मिस्टेक कर दी। हाफ मिस्टेक का मतलब क्या हुआ कि सिक्स बाय थ्री, सिक्स बाय टू डेट इज थ्री, आपकी जो मिस्टेक है वो थ्री कैरेक्टर्स की मिस्टेक मानी जाएगी। परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाएगा, आपके टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 2000 कैरेक्टर्स आपको टाइप करने हैं, मान लो आपकी जो टोटल कैरेक्टर की मिस्टेक्स कितनी हो गई, मान लो आपने 200 कैरेक्टर्स की मिस्टेक कर दी, तो कितने परसेंटेज एरर हो जाएगा आपका, इनटू में 100% करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 10% आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, फॉर सीपीटी एंड डीएसटी पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5% तक का एरर अलाउड होता है जो अभी तक चलता हुआ आया है। ठीक है, एसएससी ने इस बार क्लियर नहीं किया, बाकी वो पोस्ट जिनके लिए सीपीटी और डीएसटी नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी, इस बार 20% तक का एरर अलाउड है। ठीक है, तो काफी अच्छा मार्जिन दिया गया है, अच्छे से आपको टाइप करना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रॉन्ग कैपिटलाइजेशन हो गया, ठीक है, पंचुएशन एरर हो गए, ट्रांसपोजिशन एरर, पैराग्राफिक एरर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने बहुत बार समझा चुका हूँ तो मैं भी बोर हो गया इन चीजों को समझा समझा के, तो ये हाफ मिस्टेक्स में आपकी कैलकुलेट की जाएंगी। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, ये पुराना नोटिस था। तो जैसे ये पैसेज है यहाँ पे जो एसएससी में पैसेज पूछा गया था, सीजीएल का पैसेज है, इसमें 2034 की करेक्टर्स थे टोटल की स्ट्रोक सब कुछ मिला के। ठीक है, इतने वर्ड्स थे, इतने सेंटेंसेस थे, इतने पैराग्राफ्स थे, एक ही पैराग्राफ में पूछा गया था, टोटल स्पेसिस इतने दिए गए थे। स्पेसिस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ना दें, क्योंकि ऐसा भी होता आया है सीजीएल के अंदर कि जैसे मान लो इसके अंदर टोटल 295 स्पेसेस हैं,
ये आपका 295 स्पेसेस, बस स्पेस जो बार होता है उसी के लिए रेस्ट्रिक्शन रखी गई है कि 295 स्पेस अगर पैसेज में है उससे ज्यादा आप स्पेस यूज कर ही नहीं सकते। मान लो आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, सच के बाद आपने क्या दे दिया, दो स्पेस दे दिए, तो होगा क्या, जब यहाँ पे बायोलॉजिकल पे पहुंचेंगे यहाँ तक आपके 295 स्पेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जो कि पैसेज में दे रखे थे, तो आप यहाँ पे स्पेस लगा ही नहीं पाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका भी होता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाए, आपको पता चलेगा आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी, आप उसे जल्दी से सही करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है, और आपको अपनी गलतियों का भी एहसास दिलाती है। कई बार एक पूरी की पूरी लाइन बाई चांस आपने मिस कर दी, अब पूरी लाइन मिस कर दी तो आप क्या होगा, बेस्ट एनालिसिस के बाद आपका स्पेस बार काम नहीं करना चाहिए लॉजिकली, अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, सही स्पेसेस दिए हैं, ठीक है। बेस्ट एनालिसिस के बाद भी अगर आप टाइप कर पा रहे हैं, स्पेस दे पा रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है आपने कुछ वर्ड मिस कर दिया हो, और हो सकता है बहुत मल्टीपल स्पेसेस आप यूज कर पा रहे हैं तो आपने क्या करा, पूरी की पूरी लाइन ही मिस कर दिया, जो कि हमसे कई बार हो जाता है फ्लो फ्लो में, और पूरी लाइन मिस कर देते हैं हम, तो उस केस में तो हमारे रिएक्शन की चांसेस भी बन जाते हैं, 5% से ज्यादा एरर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम बचेगा तो आप जाके वो ढूंढ सकते हैं कहाँ पे आपने लाइन मिस करी, उसे टाइप कर सकते हैं जल्दी से जाके, तो ये एक अच्छी चीज है। तो स्पेस बार इज इंपॉर्टेंट, बाकी जैसे एस्पिरेंट्स हैं वो उन्होंने टाइप किया तो उनके एरर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। एक एस्पिरेंट की कॉपी थी उसमें एरर कैलकुलेट करके मैंने एक बार समझाया था कैसे कैसे हुआ था, तो वो पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि एरर कैसे निकाले जाएंगे, इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी करें और एरर करें ही ना, ठीक है। इतना डिटेल में आपको जाने की अभी जरूरत नहीं है। ये CHS के टाइपिंग पैसेज है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो कैसे टाइपिंग सीखनी है, कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं बना दूंगा, बाकी चैनल पर पहले भी बनाई हुई हैं अगर आपको, क्योंकि उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो मुझे लग रहा है कि वो सारी वीडियो मुझे हटा देनी चाहिए पुराने वाली और नई वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि होगा क्या उसमें से, जैसे पहले क्या होता था 2017 के टाइम पे आपको एक प्रिंटेड पेज दे देते थे, ठीक है, उसमें देख के आपको टाइप करना होता था स्क्रीन पे। उसके बाद SSC ने क्या कर दिया कोविड के बाद से, कि आपको स्क्रीन पे ही टेस्ट दिखाई देगा, चीजें और आसान कर दी, ठीक है। तो जब मैंने वो बताया था तो उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी थी, तो अभी मैं टाइपिंग के लिए ही एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, टाइपिंग कैसे सीखें, स्पीड कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि मैंने भी एक बार एक वीडियो डाली हुई है टाइपिंग टेस्ट की, आप देखेंगे 85 वर्ड पर मिनट की पहले मेरी टाइपिंग स्पीड थी, अभी भी शायद लगभग उतनी ही होगी, ठीक। तो टाइपिंग सीखने में मजा आएगा, स्टार्टिंग के 15 दिन बड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में बहुत इंटरेस्टिंग होता है टाइपिंग सीखना, और आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, वरना फंस जाओगे लास्ट में जाके, ठीक है। ये ऐसी चीज नहीं है कि आप सोचोगे 10 दिन पहले कि हाँ 10 दिन अब पूरे पूरे दिन 10 दिन टाइपिंग करूंगा और मैं टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, बाकी आप कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिसर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगी, SSC सीरियल, CHSL एग्जामिनेशन के लिए रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, जिससे कि कम टाइम में आप चीज़ें सीख पाएं। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा जहाँ पे मैं भी कनेक्टेड होऊंगा, बाकी लोग भी, तो आपका एग्जामिनेशन होगा, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है कि सर कौन सा पहले करना है, क्या करना है, क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। टाइमली आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड होते हैं तो वो सब भी गाइड कर देते हैं, ठीक है, कि वो ही बता देंगे क्योंकि उन्हें पहले से अच्छे से गाइड किया हुआ है। और बाकी आप खाली मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं प्री टू मेंस, क्योंकि CGL में भी इस बार CHSL में भी प्री और मेंस दोनों है, और CGL में भी प्री और मेंस दोनों है, 2.5 महीने बचे हैं तो ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, इस टाइम बहुत जरूरी है कि आप वो पढ़ें जो रेलिवेंट है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते जैसे पहले मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे तो मैथ्स को डीप में पढ़े जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करे जा रहे हैं, भाई 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, आप सारा टाइम मैथ्स को डिवोट नहीं कर सकते। अगर आप दिन रात भी पढ़ें और आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, दिन रात पढ़ के भी आप अच्छे लेवल तक मैथ्स 2 महीने में नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। आपको रेलिवेंट चीजें पढ़नी पड़ेगी, कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी अगर आपने बहुत अच्छे से मैथ्स नहीं किया, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, इंग्लिश पे भी फोकस करना है, और साथ ही साथ आपको GK भी देखनी है, ठीक है, उसमें भी कैसे Tier 2 के लिए स्ट्रेटजी प्लान करें, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किन लोगों के लिए कैसे कैसे चीजें रह सकती हैं। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। आप रैंडम वीडियो से डेविएट नहीं हो सकते, ठीक है, सब कुछ ना कुछ आप नया कर ही रहे हैं, ठीक है। मैं देखो हम भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता होगा जो हम कर रहे हैं वो गलत है, कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ अच्छा वो टीचर ने वो कराया वो गलत है, ठीक है, ये सारे की सारी चीजें चलती रहेंगी। यू शुड बी मतलब आपको इतना समझदार होना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, जो चीजें कराई जा रही क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर है तो देखनी है, नहीं इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अपने वीडियो में खुद बोलता हूँ कि मेरी वीडियो वाली वीडियो मत देखो, ठीक है, इसमें ये चीज मत देखो, क्यों भाई, व्यूज आए या ना आए वो इतना मैटर नहीं है, आपका फ्यूचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उसी पर हम काम करते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है, तो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जो बाकी डिटेल्ड कोर्स है उसमें सारे चैप्टर्स करा रखे हैं ऑलरेडी, और मैथ्स के Tier 2 के लिए 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें बिल्कुल कम से कम टाइम में
जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बेसिक्स क्लियर है उनके लिए वीडियोस मिल जाएंगी, और बाकी अगर मैं बात करता हूँ जो आप डिटेल में पूरा पढ़ना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो, कौन सी वीडियो कितने मिनट की, हर क्लास की पीडीएफ, हर विद एनोटेशन, जिससे कि जिन लोगों ने सीख रखा है वो चैप्टर्स को अगर फटाफट से रिवाइज करना है तो वो रिवाइज कर लें, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप एक बार कोर्स में जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कितनी मेहनत कर रखी है इन चीजों में, जिससे कि आपको समझ आसानी से आप सारी चीजें कवर कर पाए। ठीक, और सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन अवेल दी बेनिफिट कि एक जगह पे ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, किसी भी चीज़ के लिए आपको भटकना ना पड़े। और टेलीग्राम चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर की पीडीएफ्स मिलेगी जो आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपसे मैं यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।